हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रीडिंग है, क्या आपके परिवार में अपनी जगह का मूल्य है? आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। इस कार्ड से बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि क्या आपके परिवार में अपनी जगह का मूल्य है। यूनिवर्स, डिवाइन्स, एंजल्स, बताइए। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है तो आप आसानी से मुझसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, इंटीग्रिटी, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अभी से पास्ट, ओनरशिप, पीसफुलनेस, डिटैचमेंट। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पूरी तरीके से क्लियर होता है। एक्शन, सेल्फ लव एंड ग्रेटिट्यूड। बॉटम टेक हमारे पास से एलिवेशन। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या आपके परिवार में अपनी जगह का मूल्य है? कहीं हद तक यस। मैं यहाँ कहीं हद तक बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ कुछ मामलों में, कुछ चीज़ों में, कुछ सिचुएशन में आपके परिवार के लोग कहीं ना कहीं थोड़ा असमंजस में रहते हैं। बाकी आपको हर तरीके से आपके मूल्य यानी आपको जो ज़रूरी लगता है वो आप करते हो, लेकिन आपके परिवार को ऐसा लगता है कि आप इससे भी ज़्यादा और बढ़िया कर सकते हो। तो उनका विश्वास, बिलीव आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही है या उम्मीदें ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आशाएं हैं आपके ऊपर कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। ये विश्वास है जिसकी वजह से आपकी जगह का मूल्य उनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा हो है, फिर भी वो कहीं ना कहीं कम मानते हैं कि आप और अच्छा और बढ़िया हमारे लिए हो सकते हो। ये हम आपके ऊपर यकीन करते हैं, यकीन रखते हैं। तो जो मैंने कहा कि आपके परिवार की उम्मीदें शायद आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही है कि आप उनको हर तरीके से अपना एक बेस्ट दे सकते हो, उनकी हर एक फैसिलिटी को पूरी कर सकते हो, आप उनके साथ हर वक्त अच्छा बिता सकते हो, उनको वक्त दे सकते हो, उनको मोरल सपोर्ट दे सकते हो, इमोशंस के साथ जुड़ सकते हो, ऐसा उनको हमेशा लगता है। जिसकी वजह से यहाँ मैं यही कहूँगी कि उनकी उम्मीद के ऊपर आप खरा उतरने की हर दफा की कोशिश करते हो। इस वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिटैचमेंट कार्ड आया है इंटीग्रिटी के साथ। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लगातार कोशिश हमेशा होती है, लगातार बार बार कोशिश करना, जिससे आपके परिवार में आपके मूल्य की अहमियत हो, महत्वता हो, इसके आप हमेशा कोशिश जरूर करते हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ छूट रहा है। आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हो लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियों के चलते आप उनके साथ वक्त नहीं बिता पाते हो, तो आपको लगता है कि कहीं मैं उनसे दूर ना हो जाऊं, कहीं उनके दिल में मेरे लिए प्यार ना कम हो जाए, कहीं हमारे बीच एक बहुत ही ऊंडी खाई ना आ जाए। इसका आपको कहीं ना कहीं रंज है या दुख है, ये ज़रूर है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। इस बात को लेकर ज़रूर पहले सोचते हो और दूसरों के उम्मीद के ऊपर खड़ा भी उतरना है। मेरे परिवार कुछ ज़्यादा ही मुझ पर उम्मीद रखता है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपका परिवार आपके ऊपर
कुछ ज़्यादा ही होपफुल है, जिसकी वजह से आप अपनी डिग्निटी पावर को एक बैलेंस करते हुए चलते हो। पास्ट एंड एक्शन, तो यस, यहाँ आपके परिवार के लोग कहीं ना कहीं आपके साथ पास्ट की चीज़ों को भी कंपेयर करते हैं। वो शायद आपने बार बार देखा हो कि आगे आपने इस तरीके से ये किया था उनके लिए, तो वो बार बार आपको याद भी दिलाते हैं, जिसकी वजह से आप उनके लिए करना ना भूल जाओ। आप उनके लिए जो कटिबद्ध हो, अभी उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, वो एक डिग्निटी पावर में आप रहो, आप करते ही चले जाओ उनके लिए। इस वजह से वो बार बार वो चीज़ें याद दिलाते हैं। और ये बात आप जानते हो कि उनका मेरे लिए प्यार भी है और कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा भी है, मतलब भी है। आप सब कुछ जानने के बावजूद भी आप हर तरीके से उनकी खुशी के लिए हर एक कोशिश करना चाहते हो, क्योंकि आप भी उनके साथ खुश हो। इस वजह से ऑनरशिप, सेल्फ लव, आप अपने लोगों के जीवन में अपना मूल्य समझने के बावजूद भी आप अपने आप को प्यार करना कभी भी नहीं भूलते हो। अभी आप जो अड़ीखम हो, बहुत ज़्यादा ही अपनी कोशिश कर रहे हो, वो सब कुछ आपको अपने खुद के प्यार की वजह से आता है। आप जितना अपने आप को प्यार करते हो, आप जितना अपने लिए मेहनत करते हो, जितनी अपने लिए कोशिश करते हो, इसकी वजह से आपका डिग्निटी पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपका एक्टिवनेस बढ़ता है। तो यहाँ आपका खुद के प्रति कमिटमेंट है। आप खुद को पहले रखते हो, उसके बाद दूसरों को रखते हो, तभी तो आपके परिवार के लोग के दिल में आपके लिए मूल्य बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें हैं आपके ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि आप अपने आप को बेस्ट प्यार करते हो। आप अपने आप में बहुत ही आत्मविश्वास हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप जो कुछ भी करते हो उसके ऊपर भी आपको विश्वास है। तो यहाँ आप खुद को पहले रखते हो, उसके बाद अपने परिवार को रखते हो। इस वजह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाते हो और उनकी दिलों में आपकी जगह बनाने की कोशिश लगातार होती है। तो यस, आपके परिवार के लोग भी आपका मूल्य समझते ज़रूर है, लेकिन उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो आपकी जगह को कहीं ना कहीं बहुत ही अपने तरीके से लेते हैं। ज़्यादातर मैं यहाँ यही कहूँगी कि कुछ उनके फ़ायदे के लिए भी देखते हैं। यस, यहाँ पीसफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड है। तो यस, आपकी बात की जाए तो आप बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील करते हो कि मेरे परिवार के लोग मुझ पर उम्मीदें रखते हैं और उनकी उम्मीदों के ऊपर मुझे खरा उतरना है, अपना बेस्ट देना है, उनको हर तरीके से खुश देखना चाहते हो आप। ऐसा एक आपके अंदर भी है कि नहीं, मुझे भी उनके लिए करना है। तो ये एक संभवता आपके दिलो दिमाग में हमेशा रहती है, जिसके चलते आप शांति प्रिय तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। तो हमारा सवाल है कि क्या आपके परिवार में अपनी जगह का मूल्य है? जो मैंने कहा, कहीं हद तक आपके परिवार के लोग आपको मूल्य को बखूबी से समझते हैं। यहाँ कहीं हद तक इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि उनकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही है आपके ऊपर। वो आप खरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका आधार वो आपके ऊपर रखते हैं। तो उनकी कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर उम्मीदें हैं, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में आपकी जगह को एक बहुत ही कॉन्शियसनेस से 100% बिठाना है उनके जीवन में। उनके जीवन में वो आपका मूल्य बेहतरीन बनाना चाहते हैं, इस वजह से ही वो आपके ऊपर उम्मीद रख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ आप भी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो। और क्या है, चलिए देखते हैं। टू अ कप, डिटावर, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन, नाइन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स,
सेवन ऑफ कप, एट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स लास्ट में एट ऑफ सॉर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ नाइन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ कप, नाइस। तो यस, यहाँ आपके परिवार के लोग आपको प्यार तो बहुत करते हैं, ये बात तो आप भी शायद जानते हो, बहुत प्यार करते हैं। आपका उनके दिलो दिमाग में एक बहुत अच्छा ही मूल्य है, बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है, वो ज़रूर है। लेकिन उनको ये भी लगता है, क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप है और यहाँ सेवन ऑफ कप है, इसका मतलब होता है नाइन ऑफ कप, और नाइन ऑफ कप की एनर्जी होती है फुलफिलमेंट की। तो डेफिनेटली यहाँ उनकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही है कि आप उनके सारे ही सपने पूरे करोगे, आप उनकी साथ लग्न जीवन में कुछ चीज़ें जो आप हेल्प कर सकते हो वो आप हेल्प कर सकते हो। किसी की शादी बाकी है करानी तो वो भी आप करा सकते हो, ऐसा भी उनको लगता है। आप उनको पैसों से भी हेल्प कर सकते हो, ऐसा भी उनको लगता है। मतलब हर तरीके की ख्वाहिश आप ही पूरा कर सकते हो, इस तरीके से आपकी जगह आपके परिवार में है। तो आप उनके लिए हर तरीके से सब कुछ कर सकते हो, ऐसा वो मानते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ही अपनी चीज़ों को वेस्ट करने को लेकर हमेशा एक प्रिपेयर माइंडसेट रखते हो। खुद को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग बना दिया है आपने, और अपने आप को व्यवस्थित लेना सीख गए हो, वो ज़रूर है। यहाँ एट ऑफ वैंड एंड नाइन ऑफ वैंड है, यानी जब हमारी अपनी चीज़ें ठीक रहेगी तभी हम दूसरों के लिए भला कर सकते हैं, ये बात सभी जानते हैं। तो यहाँ आप भी वैसे ही सोचते हो कि मैं अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखूँगा तभी उनकी चीज़ों को लेकर सोच पाऊँगा, ये आपके दिलो दिमाग में पहले आता है। इस वजह से अपनी चीज़ों को आप ठीक करते हुए ही चलते हो, जिसकी वजह से आपको अपनी ही चीज़ों में फंसे रहना ना पड़े, इतना ख्याल है आपको। यहाँ जो मैंने कहा आपके परिवार की उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही है, इस वजह से आप हर चीज़ में शामिल होते हो, उनके सुख दुख में शामिल होते हो। कभी कभी आप बहुत सारी ही मदद करते हो, और कभी कभी तो आप उनके हर तरीके से सुख दुख में खड़े भी रहते हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो आप उनके साथ खड़े हो, ये विश्वास से वो अपना जीवन जीते हैं। तो आपकी जगह कहीं ना कहीं आपकी जगह का मूल्य आपके परिवार में कुछ ज़्यादा ही है, बढ़ चढ़ कर है। आपको कहीं ना कहीं हमेशा लगता है कि मैं उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतर पाऊँगा या उतर पाऊँगी या नहीं, ये आपको डेफिनेटली बार बार लगता है, ये ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय।